नमस्कार दोस्तों, आज हम एक कॉमन टॉपिक जो हर किसी की प्रॉब्लम रहती है उसके बारे में जानेंगे कि याद नहीं होता है, जो भी हम पढ़ते हैं वो याद नहीं होता है या याद किया हुआ भूल जाते हैं, क्या करें। ये सब भी हर किसी के स्टूडेंट की देखा जाए तो ये प्रॉब्लम रहती है, तो आज इसके बारे में जानेंगे हम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखो दोस्तों, याद के लिए कोई टेबलेट या गोली तो बनी हुई नहीं है। पहली बात तो ये प्रॉब्लम रहती है कि याद होता ही नहीं है। देखो दोस्तों, सही बात तो ये है, याद क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा पूर्ण रूप से उस चीज़ पे जो भी हम याद कर रहे हैं उस पे ध्यान नहीं रहता है। हम किताब लेके बैठते हैं लेकिन सोचते इधर उधर की बातें रहते हैं या किसी और चीज़ के बारे में, उस टॉपिक को पूरा। देखो आप जब भी पढ़ते हो, चाहे आप दिन में 3 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन उस घंटे में आप कुछ और ध्यान मत दो किसी और चीज़ पर, उसको पूरी तन्मयता के साथ पढ़ो। और दूसरी बात, याद किया हुआ भूल जाते हैं, क्या करें। तो याद किया हुआ जो भी आपने 2-3 घंटे एकदम तन्मयता के साथ, एकदम इच्छा शक्ति के साथ आपने पढ़ाया, तो वो भूल क्यों जाते हैं। देखो आपने आज जैसे कि 3 घंटे आपने पढ़ाया, 3 घंटे पूरे दिन में पढ़ाई की, उसके बाद हम इसलिए भूल जाते हैं कि आपने जो भी याद किया है उसको शाम के टाइम खाना खाने के बाद आप उसको लगभग 1 से 1.5 घंटे तक उसको बिना किताब देखे, जो भी आपने याद किया है बिना किताब देखे, कोशिश करें कि जितना भी आपके याद है, कितना आपको याद है, खाना खाने के बाद घूमते हुए आप उसको रिवाइज करें, मन में मनन करें। मनन बहुत ज़रूरी है, चिंतन बहुत ज़रूरी है उसके बारे में। अगर आप ऐसा चिंतन रोज़ करोगे तो वो चीज़ धीरे धीरे आपकी चीज़ बैठती जाएगी। जैसे आज मनन कर लिया शाम को, और अगले दिन भी 3 घंटे पढ़े उसको भी शाम को मनन कर लिया, शाम को खाना खाने के बाद। और एक जब भी आप सुबह उठते हो, जल्दी उठते हो, उठने के बाद बेड पर रहते हो, तो 1 घंटे जो भी मनन किया है, शाम को मनन किया है, वो चीज़ दोबारा मनन करो। और मनन करने के बाद जो भी चीज़ आप भूलते हो उसको किताब खोल के तुरंत देखो, या तो तुरंत देख लो या जब भी मनन करके जितनी चीज़ आप अपने मन में मनन कर लेते हो उनको, हाँ कि यहाँ ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ, उसको किताब में खोल के देखो। ऐसा आप लगातार जो भी पढ़ते हो पूरे दिन, 5 दिन तक लगातार पढ़ते रहो, और जितना भी इकट्ठा हुआ है, देखो मैटर लगातार 3-3 घंटे रोज़ पढ़ोगे तो 5 दिन के बाद काफ़ी सारा मैटर हो जाएगा, तो उसको सैटरडे और संडे को उन चीज़ों को रिवाइज़ करो, उन चीज़ों को देखो। ज़्यादा आप मत पढ़ो सैटरडे संडे को, सैटरडे संडे को थोड़ा कम पढ़ लो, 1-1 घंटे पढ़ लो, और जितना पुराना आपने किया है जो 4-5 दिन के अंदर, उन दोनों को रिवाइज़ करो सैटरडे संडे को, जितना भी आपने पढ़ा है सबको किताब में से रिवाइज़ करो, और बिना देखे भी मनन करो उस दिन, मनन का ही रखो, किताब में से रिवाइज़ करके देख के 2 घंटे में किताब में देख के रिवाइज़ कर लो। और फिर क्योंकि वो स्पीड से हो जाएगा, इतना आपने पढ़ा है, रात के टाइम भी मनन किया और सुबह उठने के बाद भी मनन किया है, तो सैटरडे और संडे को आपको 2-2 घंटे के अंदर वो चीज़ आप देख के रिवाइज़ हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-2 घंटे आपको वो मनन करना है किताब को बिना देखे, और जो भी चीज़ आप भूल रहे हो उसको किताब में तुरंत देखो। तो ये चीज़ आप लगातार करते जाओगे, ऐसे ही आगे अगले हफ्ते में ऐसा करो, और फिर 2 दिन मनन करो, और महीने के लास्ट में आपको क्या करना है, जितना भी पढ़ा है आपने उन सबको मनन करना है। देखो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा होने पर डरे नहीं, जितना भी आपका महीने भर का होता है, जैसे आपने 24 दिन पढ़ा है तो काफ़ी ज़्यादा आपका सिलेबस हो गया, लेकिन उसको मनन करना है कि मुझे कितना याद है बिना देखे हुए। चाहे क्वेश्चन फॉर्म में मनन कर लो, आपके क्वेश्चन बनाए हुए, या फिर टॉपिक की फॉर्म में टॉपिक देख देख के मनन कर लो कि उसमें से कितना याद है, तो टॉपिक वाइज ऐसे उसको मनन करोगे तो महीने में जैसे लास्ट के 5 दिन बचे हुए हैं, 24 दिन हो गया, जैसे 3 दिन में आप मनन कर लो कि मैंने क्या क्या इसमें मेरे को याद है, क्या क्या याद नहीं है। तो इस तरह आप करोगे तो आपको बिल्कुल याद किया याद रहेगा, और इसी प्रोसेस को आप आगे बढ़ाते रहो, महीने के बाद वही प्रोसेस फिर शुरू कर दो, लेकिन पीछे वाला भूलना नहीं है, वो भी मनन करते रहना है। तो सबसे बड़ी ये मतलब तरीका है दोस्तों, आप करके देख लो, अगर करने के बाद अगर आपको ये वास्तव में लगे तो कमेंट करके बताओ। इसमें एक आपको करना क्या है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सुबह आप उठते हो, उठने के बाद 1 घंटे जैसे बेड पे रहते हो, तो कल का पढ़ा हुआ मनन जरूर करना है, पिछले दिन जो भी पढ़ा है। और जैसे आज मैंने पढ़ाई की 3 घंटे, तो शाम के टाइम 1.5 घंटे खाने के बाद वो चीज़ मन में रिवाइज करनी है बिना किताब देखे। अगर आप भूल रहे हो तो किताब देख लो बाद में जाके 1.5 घंटे के बाद, जो भी चीज़ भूले हो। और फिर सुबह जो रात को मनन किया है, वो सुबह उठते ही जितनी देर बेड पे रहते हो 1 घंटे, या फिर आप घूमते हो सुबह, उस टाइम मनन कर लो, मतलब मन में वो चीज़ रिवाइज करो बिना किताब देखे, और जो चीज़ भूले उसको दोबारा उसको देखो। तो ऐसा आप बार बार रूटीन में अगर ये आदत में डाल लोगे तो आपको 100% गारंटी है कि आप चीज़ वो भूलोगे नहीं, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।